सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी. मैं अभी भी उसके फंक्शंस ही देख रही हूँ. ट्राइंग टू फिक्स दिस. या वेटिंग फॉर द पीपल टू जॉइन इन. आई एम सो सॉरी. आई थिंक आई हैव टू कीप इट इन माई हैंड्स. या ओके ग्रेट. ज़रा अपना भी हुलिया देख लो. गर्मी बहुत है बाहर भाई, बहुत गर्मी है. दिस लाइटिंग इज गुड. एनीवेज, सो हाय एवरीवन हु हैज़ जॉइंड इन, अस्सलाम वालेकुम. एंड या आई एम लाइव एंड there's a person who will be joining me live in a while, and I'm thinking not to reveal the name yet. Let him come first, then we'll see. Dost aa gaya bhai, main live le lu aapko. Okay, so request yahan aati hai aur is tarah accept hoti hai. आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है. मेरी आ रही है क्लियर? बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है. क्लियर आ रही है एकदम. थोड़ा सुर हल्का, सुर थोड़ा सुर पक्का नहीं है. तुम सब छोड़ो, मैं तुमसे मजे सब छोड़ दिया फिर सब छोड़ दिया. मैं मजे से तुमसे पूछ रही हूँ कि यार तुम्हें सोशल मीडिया तो आता होगा ना, क्योंकि और यकीन करो मैं भूल गई थी. नहीं, द जोक्स ऑन मी. तुमसे मैं इतने मजे से पूछ रही हूँ और मैं खुद भूल गई थी कि लाइव कैसे जाते हैं, और मैं लाइव का बटन ढूंढ रही थी. यार एक सेकंड, सॉरी मुझे आज जरा अभी लेटेस्ट मसला, जुकाम स्टार्ट हुआ है. एनीवे लाइटिंग सही है, एआरवाई वाली है या शान वाली है? एआरवाई वाली है, यानी कि मेरी लाइटिंग मुझे क्यों शान वाली लग रही है? अच्छी लग रही है, लाइट साफ आ रही है बिल्कुल. अच्छा, क्लियर आ रही है ना. हाँ खैर, तो क्या सीन है, मतलब क्या हो गया तबीयत को? वैसे आजकल वायरल फैल. नहीं, तबीयत को ऐसा सीरियस नहीं हुआ, ऐसे ऐसे नजला जुकाम हुआ है, सही हो जाएगा ये. ओके ग्रेट भाई, तुम ऐसे तो टाइम नहीं देते, मैंने सोचा तुम्हें लाइव ले लूं. मैं वैसे ऐसे लाइव का भी टाइम नहीं देता हूं, लेकिन आपके लिए तो यार नताशा, आप तो दोस्त हो ना भाई, बेस्टी. लाइव का भी टाइम नहीं देता हूं वैसे. दैट इज सो स्वीट ऑफ यू मैन. चलो यार, दैट्स ग्रेट. बट यार मैंने आपको मैं वो कमेंट याद दिला दूं आपको कि आपको मैंने बेस्टी लिखा, आपने लिखा थैंक्स ब्रो, और नीचे लिखा था, लोगों ने लिखा कि यार आप इसको क्या कहते हैं, उसको ब्रोज़ोन. यार लोग छोड़ते क्यों नहीं है? तो आपने भी तो बदला ले लिया ना. देन आई विश्ड यू एंड योर फैमिली ईद मुबारक. देन यू रोट मेरा को भाईजान कहते. और फिर लोगों ने उसको भी पकड़ लिया. लोग कह रहे होंगे ये बदला ले रहा है. मैंने बदले के चक्कर में, डर के चक्कर में कि मैं फिर से ब्रो जोन ना हो. क्या सीन यार, लोग कुछ भी बोल देते हैं. अब खैर यार, बस सीन ये है कि माशाल्लाह मैंने आपको इसलिए लाइव सेशन पे बुलाया क्योंकि मैंने इंटरव्यू देखा आपके साथ वाला, और बहुत शुक्रिया. लोगों का रिस्पांस तो है ही है, लेकिन मैं सही बताऊं, मैं अपनी चीजें नहीं देखती, अपने इंटरव्यूज वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत क्रिंज लगता है. लेकिन मुझे पहली बार क्रिंज नहीं लग रहा था. तो अच्छा काम करो ना, फिर अच्छा काम करो ना. तो भाई आप क्यों करते हैं ऐसा काम? अच्छा काम तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मिलता है. एंड यू ये भी है. आपके मैनेजर जो है ना हसन अली अफंदी, उनका कसूर है सारा. इस वक्त हसन अली अफंदी जो है ना, असल में मैं बैठी हूँ इस वक्त एक दोस्त के घर पे, और हम लोग आज कर रहे हैं होस्ट, एक डिनर होस्ट कर रहे हैं जिसमें हम कोरियन बारबेक्यू और बिरयानी बन रही है. तो बिरयानी जो है वो हसन बना रहा है किचन में बैठ के, और जो दूसरी जो मेरी दोस्त है वो कोरियन बारबेक्यू बना रही है. तो इस वक्त वो लोग किचन में बैठ के खाने बना रहे हैं, और मैं यहाँ मस्त हरामखोरों की तरह लाइव आई. अरे कोरियन से याद आया, आपने कभी कोरियन से याद आया कि क्या आपके फैंस को पता है स्क्विड गेम में आपकी गेस्ट अपीयरेंस थी और नंबर बताया आपने? ये एक बात बताऊं, वो बंदी जो है ना मुझसे ज्यादा सईफा जब्बार से मिलती है. सईफा जब्बार नाम है ना जो मॉडल? सईफा जब्बार पटक. मैं मिला अभी, हाँ वो मुझसे नहीं मिल रही, वो उससे ज्यादा मिल रही है. पर
खैर यार, मैं तो सोच रही हाँ हूँ कि अब जो है ना, मैं भी जरा कोरियन ड्रामों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दूँ। आप कोरियन ड्रामों के लिए अप्लाई करें, कोनीचीवा के नाम से आप मशहूर होंगी, कोनिचीवा कोनीचीवा जापान में बिग। यूज होता है, कोनिचीवा बिग। यार आप छोड़ो ना, आप महाजिर हो ना, को आप जापान से हिजरत करके आए हो कोरिया, आप लोग, आपकी फैमिली 47 में हिजरत करके जापान से कोरिया आई है। सो दैट इज द स्टोरी दैट वी विल बी यूजिंग। यस यस अच्छा यस, अच्छा सही ये आपका बात, कवर स्टोरी। ये मेरी कवर स्टोरी। बस दुआ करो मैं जाऊं फिर कोरियन ड्रामों में। और क्या चल रहा है भाई? लेकिन नताशा, बस हम लाहौर में हैं, गर्मी चल रही है जैसे आप देख रही हैं, दोनों अरे आस्तीन एक एक एक, ये मैंने खाली देखिए, है। ये ना प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ मैन। मैं कहना चाहता हूँ, मैं अभी ये एक्सप्रेस, मैं ये फील कर रहा था कि अगर मैं ये कहूंगा ना यार मैं छोटे कपड़े पहन के बैठा हूँ तो मुझे कोई खातून कहेगी देखिए आप तो पहन सकते हैं, हमारे पे एतराज होगा। कह तो दिया भाई मैंने। मैं आई एम सॉरी, हाँ ये है, ये प्रिविलेज है, अब जाहिर बात है जब है तो मैं यूज कर ही लू थोड़ा सा, मैं क्यों अकेला, जब है तो मैं अब क्या बेवकूफ लगूंगा ना यूज करते हुए। सही बात है, मैं भी अक्सर अपने भाइयों को कहती हूँ इतनी गर्मी है यार, तुम लोग शॉर्ट्स क्यों नहीं पहन लेते, हम तो पहन नहीं सकते, तुम लोग पहन क्यों लो। नहीं पहन लेते, ये वही वाली बात है। बट हाँ, गर्मी ये बहुत है वही कराची वाली में भी, बात बहुत है कि कराची में भी बहुत है। नहीं, यहाँ लाहौर में बहुत गर्मी है, लाहौर में इतनी गर्मी है कि 45-46 तो हो रहा है, और रियल फील में, अच्छा मतलब थोड़ा गंदा सा जोक है कि डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं ना, डी वो लिखते हैं डिग्री और सी लिखते हैं, डिग्री और सी ये हाँ होता है ना, हाँ यूनिट होता है टेम्परेचर का सी, जी लाहौर जी में इतनी गर्मी है कि यूनिट है बीसी, इतनी गर्मी है। सही है, कह सकते हैं, क्योंकि लाहौर का सीन ये है कि वहां पे समंदर नहीं है ना, तो वहां पे हब्स हो जाता है। यहाँ पे समंदर की वजह से थोड़ा ठीक है, मतलब तो इस समंदर, ये समंदर हमें रस्ट भी देता है, जंग भी देता है, लेकिन हवा भी दे देता है कुछ कर। और हड्डियों हड्डियों की बीमारी, हड्डियों की बीमारी भी देता है, समंदर सुना के साथ है रहना एक बहुत मुश्किल काम है। सुना है, लेकिन अब हाँ मुझे क्यों लग रहा है कि कराची वर्सेस लाहौर हो गया नहीं, लाहौर में बहुत गर्मी है यार, और ये लाहौर ही भी जानते हैं, और ये आज से नहीं है, ये हाँ, मतलब बहुत गर्मी हमेशा से होती है। लाहौर इवन हैज बीन लाइक दिस। हाँ हाँ इस्लामाबाद इज वेरी बैड, जब गर्मी के मामले में तो सांस नहीं आ रही होती वहां पे। सो या इट्स लाइक दैट। तो बस बाकी क्या इस्लामाबाद, बोलते हैं। और मुझे एक और कमेंट आया था, उसमें भी मुझे बहुत हैरत हो रही थी, कि उसमें लिखा था कि लग नहीं रहा, क्योंकि हमने एंड में बोल दिया था कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है, तो किसी किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। और जब मैं वो वीडियो जब मैं भी देख रही थी, मैंने बोला अब तो मैं जानती हूँ ताबिश को, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी इसको यार, लेकिन ये इतना इजी सीन कैसे नताशा था? नताशा आई तो उनके अंदर से एक मिडिल क्लास वाइब आ रही थी मेरी तरह से, मैंने कहा भाई ये आर्टिस्ट लगता है मेरी तरह कोई मिडिल क्लास आर्टिस्ट है, तो मैं वो कनेक्शन जो बना, वो जो बनी वो चीज, याद है वो गोविंदा की जो फिल्म थी शिकवा, देखी है? मैं मुझे नहीं याद, नहीं डायलॉग याद है बताए, हाँ सीन यार। बताए उसका, उसमें ना उसमें वो वो कादिर खान ममता थी, दिखा रही ममता होती थी उसमें, उसमें है, ममता ममता थी, थी, ममता थी उसमें, ममता, ममता ममता बस थी वो हाँ याद है शिकवा। मुझे। और उसमें जो है वो कादिर खान होता है भिखारी, तो हमेशा ना गोविंदा उसको शराब के नशे में ना घर ले आता है ये बोल के कि मेरे गरीब दोस्त। हाँ, मेरे गरीब दोस्त, तो मुझे वो याद आ गया जब जब तुमने कहा कि मिडिल क्लास। भाई सही बातें भी हैव मिल ऑल जाए, सीन दैट, आई थिंक लाइक एवरीवन हैज सीन दैट लाइफ। आई डोंट नो व्हाई पीपल प्रिटेंड व्हेन दे यू नो गेट समवेयर, व्हाई वुड यू प्रिटेंड? मैं नहीं, अब अल्लाह का शुक्र है कहीं तो पहुंच ही गया हूं मैं लाइफ में। असल में होता ये है कि कुछ लोग होते हैं जो एक्सपोजर देखकर आ रहे होते हैं लाइफ में, बाहर दुनिया देखी भी होती है फिर वो इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सारी दुनिया इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद और वो फेम और पैसा आने के बाद ही देखी होती है, तो वो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ओवर कंपनसेट करने के लिए, कि यार ऐसा ना लगे कि हमने आज ही देखी है सब चीजें, थोड़ा सा ओवर कंपनसेट करने के लिए वैसा करते हो जैसा करती आप बता रही हैं। मेरी नजर में तो कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान का ऐसा नहीं है ओके काफी, मतलब आप वैसे जी। विद टाइम जो है अच्छे हो गए हैं जवाब के साथ। टीवी पर आने का यही फायदा होता है कि आपको कवर करके चलना होता है। बट यू नो दिस इज पार्ट ऑफ आवर जॉब, ठीक है? और आई थिंक हर वक्त के हिसाब से आपको मतलब बात करनी होती है, इट्स कम्प्लीटली फाइन। नो ऐसा ही वन है, नहीं जजिंग यू, डोंट वरी, ठीक है? नो वन जजिंग यू, लेकिन कर ले, सुनो। जज 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 करें, मैं तो चाहता भाई जज कर ही रहे हैं लोग, जज कर रही है, कहने की बात है, आप नहीं कर रही नताशा, आपके दोस्त है ना, मगर ऑडियंस तो जज करती है, उसका काम है जज करना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑडियंस से हाँ, बोले यार जज नहीं करो, ऑडियंस तो जजमेंटल होंगी वो तो वो करेंगे। तो होगी, वो काम है उनका। हम भी मतलब एज अ ऑडियंस, जब हाँ हम भी ऑडियंस होते थे
जब हम भी लोगों को टीवी पर देखते थे, जी जी हम भी अनइंटेंशनली जज कर लेते थे, तो हो जाता है वो, तो खैर है। हाँ लेकिन वैसे ही पता है आज वैसे क्या ही हुआ, आज क्या हुआ, आज मैं यही बताइए ना। इसी चक्कर में, ये जो आज दावत रखी है, तो हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गए थे इम्तियाज, ठीक है। और भाई वहां पे, वाह भाई अब वाह ये मेरे साथ ऐसा होता नहीं है, ठीक है, अक्सर पीपल व्हेन दे कम अप टू मी, दे कम अप टू मी बिकॉज आई एम अ सिंगर एंड म्यूजिशियन, ठीक है। आज ये हुआ कि मैं चीजें खरीद रही हूँ, एक आंटी आती है और वो आके मुझे कहती है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। मैंने बोला शायद मैं इनको जानती हूँ लेकिन शायद मैं भूल गई हूँ, तो मैं उनको सलाम कर रही थी, और वो कहती है आप ताबिश के शो में आई थी ना। और मैं कह रही हूँ यार, मैं हसन को कह रही हूँ ताबिश ने मुझे मशहूर कर दिया। यार ये तो ये मुझे तो अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, आपने जरूर हटी होगी इस बात पे। नहीं, आई मीन क्यों हटेगी यार, आई मीन इट्स गुड, मजाक बट कर रहा हूँ। इट्स डिफरेंट, यू नो, आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और मैं इतनी उजड़ी हुई हालत में, और वो मुझे कह भी रही है ना, असल में मैं नींद से उठ के डायरेक्ट सुपरमार्केट जाके कौन तैयार होता है, तो इतनी गर्मी वो भी, तो तो वो मुझे आपका कह रही, सुपरमार्केट में तैयार होकर तैयार होने गई सुपरमार्केट? नहीं मैं कह रही सुपरमार्केट अच्छा कौन ये कह तैयार रही है। होके जाता है, तो शी वाज लाइक आप अच्छा यहाँ तो डिफरेंट लग रही है, वो तो चलो सब लगते हैं। आई एम लाइक ओके थैंक यू सो मच। वाह अच्छा फिर एक और यार ये तो बहुत खातून, ही है। एक और खातून गुजरी और वो एकदम यूं देखी ना, समझे, यूं देखा, और हम मेरे साथ जो दो लोग थे उन दोनों लोगों ने भी देखा, मतलब हसन ने भी और एक और बंदी ने भी, और मैं कह रही हूँ मुझे लगता है इसने भी वही देखा है, मुझे तभी ऐसे देख रही है। तो थोड़ा मतलब ये ये अलग एक्सपीरियंस हो गया है वैसे, मतलब दुनिया जहां के इंटरव्यूज कर लिए मैंने, लेकिन ये कुछ अलग हो गया है मेरे साथ। हाँ ये लोग देखते हैं, अच्छे शौक से देखते हैं, और ये देखते हैं कि वो ये देखते हैं कि उन्हें क्या मतलब वो देखते हैं कि ये जो भी आ रहा है बंदा वो रिएक्ट कैसे करता है। अब उसमें एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आए, अगर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए और उन्होंने मतलब रूड बिहेवियर दिखाया तो लोगों ने नहीं पसंद किया एपिसोड, मतलब नेगेटिव कॉमेंट्स आए, नीचे लिखा हुआ आया कि आपने ये किया वो किया। अब ऐसे भी लोग आए जिनको शायद लोग टीबीएच के बाद, अब मैं मतलब कुछ बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिस्ट भी आए बीच में जिनको टीबीएच के बाद जानना शुरू किया लोगों ने कि यार ओ ये भी है, ये ऑफ भी कोर्स, है, हाँ वायरल। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन उन्होंने इस तरह परफॉर्म, बल्कि इस तरह ऑनेस्ट रहे और इस तरह वो इन इनसिक्योरिटीज का शिकार नहीं रहे, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें पसंद किया कि यार वाओ ये कितने नेचुरल लोग हैं, ये तो हमारे जैसे बिल्कुल लोग हैं। आप जितने रिलेटेबल होंगे ना, वो दौर चला गया कि लोग टीवी सेलिब्रिटीज को देखकर बनना चाहते थे, अब वो लोग देखना चाहते हैं कि हमारे जैसा दिखता है कि नहीं। अब थोड़ा रिवर्स हो बिल्कुल रही है साइकिल, बिल्कुल वो सही ये बात देखते है। हैं हमारे जैसा दिख रहा है कि नहीं, अगर हाँ नहीं दिख रहा तो वो फिर बोलते हैं यार फिर तो ये असली बंदा ही नहीं है। एंड यार लिसन, आई थिंक वी डू वांट द रिलेटेबिलिटी, और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग मतलब आपके शो में आके जेन्युइन हुए होंगे वो जेन्युइन होने की एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब यानी कि आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इस लाइन में स्पेशली मीडिया की लाइन में आप मर रहे होते हो जेन्युइन रहने के लिए, क्योंकि आपको बहुत जगह आपका वो जेन्युइन सेल्फ लोग मांगते नहीं है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और पता है ताबिश, जब मैं तुम, अब देखो ये 1 साल पहले का शो है जो मैं तुम्हारे शो पे आई थी, वो जी एक हाँ साल पहले रिकॉर्ड हमने, रिकॉर्ड 1 साल पहले। एक साल हाँ पहले एक रिकॉर्ड हुआ साल था, और मैं उस टाइम पे जिस जोन में थी ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे नहीं पता अगर मैं अभी आती तो मैं क्या, मैं अभी भी वैसे मतलब नॉर्मल ऐसी ही होती, लेकिन उस टाइम पे ना पहले। मेरे अंदर बहुत भरा हुआ था, मैं बहुत डार्क जगह हाँ पे थी। नए नशे छोड़े थे, नहीं, मजाक नए नशे कर रहा छोड़े हूँ थे, वैसे मेरी आंखों से लगता है लोगों को कि मैं भाई, नशा करती हूँ, खैर है नशे नहीं ठीक करते यार। है। तो मतलब हाँ वो उस टाइम पे इतना मेरे अंदर मतलब चीजें भर चुकी थी, और वही बिकॉज यू नो पीपल वर लुकिंग एट यू एट अ सर्टेन वे, इन अ सर्टेन वे, और जो आप नहीं हो लेकिन लोग अज्यूम कर रहे हैं और आप उसको क्लियर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे शो ने वो एज दिया था कि भाई मैं आके बता दूं कि थैंक भाई यू। जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है, आई एम अ नॉर्मल पर्सन, सो विच वॉज फन। या बाय द वे तुम्हारे लिए बहुत कॉमेंट्स आ रहे शुक्रिया हैं, भाई, मैं नहीं तुम्हारे पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे गंदे गंदे आ रहे हैं, बहुत लैंग्वेजेस भी आए हैं नहीं, नटाचार। कहां मेरे पास तो गंदे लैंग वो नहीं आ रहे, कहां है कहां है। भाई वाह, नहीं कोई कोई गंदे नहीं आ रहे, मजाक कर रहा हूँ। नताशा हाँ इज लाइव, अजान हो रही है भाई। अच्छा अजान हो रही है, मुगल यार फैमिली बेदाग थे, ये पश्तों में भी तो आ रहे हैं तो मुझे समझिए उसमें आ रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से। हाँ लेकिन यार इंस्टाग्राम ने क्या खैर फीचर किया है कि मतलब एक एक कमेंट दिखता है, सारे एक साथ नहीं दिखते, दैट्स वियर्ड। अस्सलाम वालेकुम, बतूल भी आ गई, बतूल भी देख रही है हमें। अच्छा मैं ये कह रहा था अपना नताशा जी प्लेयर नंबर 428, आप जी अभी मैं जियो पे शो कर रहा हूँ, जी डिजिटल तो शो नहीं है लेकिन वो जाहिर बात है वो अपने
वो अपने वो शो अपने लर्निंग कर्व से गुजर रहा है, जो हमारा जियो पे आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है उसने भी टीआरपीज फाड़ी है, आगे पीछे की है माशाल्लाह उसने टीआरपीज, माशाल्लाह हिट जा रहा है, अच्छा जा रहा है, लेकिन माशाल्लाह। जाहिर बात है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसमें, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आया उसको हाँ हम एडजस्ट करेंगे इंशाल्लाह, इट विल गेट बेटर, इंशाल्लाह इट्स अ लॉन्ग हॉल गेम, ये टीवी की तरह एक सीजन दो सीजन तीन सीजन नहीं है, इट इज गोइंग टू गो ऑन, तो इंशाल्लाह इम्प्रूव होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। उसमें उसमें भी आपने आना है, ओ आई वुड वो हो रहा है यहाँ लाहौर लाहौर में सिटी में, और आई वुड लव। अब मैं बुलाऊंगा ना, हाँ यूकेलेली लेकर आइएगा, यूकेलेली लेकर आइएगा, यूकेलेली पे हम गाने बनाएंगे, ठीक है, सही है छोटा डन छोटा गिटार, डन डन छोटा यूकेलेली लेकर, फर्रा। यू यू गेव इट अ छोटा फर्रा, नेम छोटा फर्रा, छोटा फर्रा। हाँ फर्रा गिटार का फर्रा लेकर आइएगा, अच्छा सही है आई वुड लव टू एंड आई जस्ट नॉट वेट फॉर इट एंड आई ब्रिंग दैट। और उसमें भी वही मतलब नॉर्मल रहना या कुछ नहीं स्पेसिफिकेशंस नहीं नहीं भाई नहीं, कुछ नॉर्मल नहीं रहना, असल में मसला है? ये है कि मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मुझे तो किसी ने नहीं इंस्ट्रक्शंस दी कि यार टीवी है संभाल के बोलना, किसी ने अल्लाह की कसम नहीं कहा, योर अभी मैं कल एक योरसेल्फ एपिसोड देख रहा था, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैं समझ रहा था ये कट जाएंगी टीवी पे नहीं जाएंगी, वो भी चली गई टीवी पे, नहीं रोक रहा कोई, ऐसा ऐसा नहीं है, अच्छी बात है यार ऐसे ही होना तो चाहिए। ओपन होके बात, और आप कौन सी गाली देती हैं, वो सिगरेट जला लेंगी और नशे करना शुरू कर देंगी, आप तो बस ये रियल रियलिटी बताएगी हाँ दुनिया की, तो वो तो बताए ना टीवी पे, टीवी हाँ यार पे ना बताएंगे देखो तो और कहाँ पता बताएंगे, है गालियां हर इंसान देता है लेकिन ऑब्वियसली हर जगह अच्छी लगती भी नहीं है ना। मतलब क्यों दे बंदा गाली वो वाला सीन है तो आई डोंट एंडोर्स इट बट या मतलब जो खैर भी है। बट ये कि हाँ आई वुड लव टू बी एट योर शो। मुझे बता देना जो भी सीन है आई विल ब्रिंग द यूकेलेली। लेकिन अब मुझे पता चलेगा कि अब मुझे देखना क्या होगा बिकॉज एट दैट टाइम वी वर नॉट फ्रेंड्स नाउ वी आर फ्रेंड्स। अब तो कयामत होगी, कयामत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी, महबूब कयामत होगी। और अगर लोगों ने बहुत एक्सपेक्ट कभी कभार तो ना लोग बहुत एक्सपेक्ट करते हैं और फिर बोले नहीं यार अब मजा नहीं आया फिर तो लोग कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे ऊपर, फ्री में टीवी खोल के बटन दबा के देख रहे हैं, वो कौन, नहीं नहीं आया मजा नहीं आया, चलो भाई जाओ कल नहीं आया। हाँ पैसे दोबारा आके वापस देखना, नहीं आया, ये वाला वो कौन सा सीन। पैसा लगा रहे हैं, फिल्में कर रहे हो क्या कोई फिल्म फिल्म की ऑफर आई है? और दबे लफ्जों में मुझे ऑफर आ चुकी है, मगर जिस तरह की फिल्म्स अभी लगी हैं मैंने हाँ देखी, प्रमोशंस के लिए भी तीन चार आई थी, अच्छी सपोर्ट फिल्में ही बनी पाकिस्तानी है एक दो, सिनेमा मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बिल्कुल, बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, चलो लेकिन मसला ये है कि अभी 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 बिजी हूँ, मैं नया असाइनमेंट मिला है ना, पहले इस पे फोकस करूंगा, साल डेढ़ बोलो दो इस पे काम करूंगा, इससे बोलो सीखूंगा, सीखने के बाद कोई इससे बड़ा काम करूंगा, वरना फिर अच्छा नहीं लगेगा। इंशाल्लाह। देखो यू नेवर नो हाँ मेरी वैसी तमन्ना इन फ्यूचर आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक फिल्म बिकॉज आई एम अ फिल्म ग्रेजुएट। आप फिल्म पे आओ, बस आप फिल्म कर लो, मैं आपको हीरो लूंगी। बस ठीक है, बस डन हो ठीक है, डन गया हो गया, हीरो ना भी चलो। लो आप, मुझे बस एक कैरेक्टर रोल में ले लो आप, नहीं मैं छोटे वैसे से सही स्टार्ट बात करूंगा, है सही बात है। इट डज नॉट मैटर कि आपको मेन रोल मिल रहा है क्या मिल रहा है बट रोल शुड बी इम्पैक्टफुल ये बहुत हाँ जरूरी मगर है। मुझे 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 हीरो के दोस्त का रोल नहीं चाहिए, बस मुझे वो रोल बहुत बुरा लगता है हीरो के दोस्त का, हीरो का दोस्त मुझे भी बहुत गैर लगता है। एक बार पता है मैं कोई जो प्रोडक्शन बंदा हाँ मैं एक बार प्रोडक्शन गो हाउस में एड गो काम एड, कर रही थी एज अ प्रोडक्शन असिस्टेंट। तो वहां पे ना कोई किल्लत पड़ गई थी हीरोइन की दोस्त की। तब मेरा कोई एक्टिंग का सीन मुझे करना भी नहीं था क्योंकि मुझे एज अ सिंगर ही रजिस्टर होना था मार्केट में। तो इसीलिए मैं एक्टिंग से दूर भाग सही गई है, कि मुझे एक्टर बनना ही नहीं है। तो उस बताइए दौरान उन लोग ने बड़ी इमरजेंसी में मुझे कहते हैं कि हीरोइन की दोस्त का रोल कर ले। थैंक यू थैंक जरा, यू सो मच। जो हीरो का दोस्त बन गया, जो हीरो का दोस्त बन गया तो वो हमेशा हीरो का दोस्त दोस्त ही रहता है जिंदगी भर, वो हमेशा हाँ या तो फिर दोस्त रहता है या तो वो फिर हीरोइन का भाई भी बन जाता है। तो थोड़ा सीन है। आजकल शोज क्या देख रहे हो वैसे कुछ फॉलो कर रहे हो नेटफ्लिक्स पे? आजकल मैं एक देख रहा हूँ पुराना है थोड़ा सा, द कम्युनिटी एक देख रहा हूँ, ओके बहुत अच्छा है, बहुत थोड़ा सा उसका अच्छा ह्यूमर है उसमें, कम्युनिटी देख रहा हूँ, एक एक मैं देख रहा था अभी खत्म हो गई शायद वो, अच्छी सीरीज थी पेंटावरेट, ऐसी थी आम सी थी पेंटावरेट, कैनेडियन थी इसलिए देख ली, और बस ये दो अभी तो देख रहा हूँ, कोरियन इतना भी टाइम ही देखो कहाँ मिल रहा ना। है, अच्छा वैसे टाइम नहीं मिल रहा होगा अच्छी बात है टाइम नहीं आप मिलेगा। कोरिया कोई बेचती रहो, कोरिया कोई बेचती रहो मुझे, आप कोरियन तो देखो नो ना भाई, मैं देख रहा हूँ, आई एम सेइंग बिकॉज यू वॉच स्क्विड गेम राइट देखी हाँ सभी ना ने देखी वो तो स्क्विड गेम, वो तो खैर हाँ तभी ने देख ली। लोग अब देख रहे हैं कोरियन ड्रामे जो भी है लेकिन ऑल ऑफ अस आर डेड भी वैसे अच्छी होते बहुत टाइट है वहाँ, हाँ तभी तो मैंने वो भी मैं देखी थी, पैरासाइट भी देखा था, स्क्विड गेम्स किसी भी हाँ देखा था, मुझे ऑल ऑफ अस पैरासाइट आर देखनी डेड, है ऑल ऑफ अस आर डेड बहुत अच्छी पैरासाइट देखनी है भाई किसी वजह से मैं मर रही हूँ अब कोरियन ड्रामों में जाने के। रिश्ता आया क्या कोरिया के घर से, कि सही कोरिया आई दर के शरीफ घराने से वो रिश्ता, नहीं नहीं वो तुमने लास्ट उसमें अपने शो में सवाल किया था ना मेरी शादी के। तो हाँ अब तो जी जी मुझे जी कोई जी मुझे अब कोई हाँ कोरियन बंदा ही चाहिए क्योंकि मैं कोरियन बंदा, क्योंकि कोरियन बंदा अरेंज तुमने ऑफर किया था कोई कैनेडियन पासपोर्ट अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कोरियन।
आपने आपने डिफाइन नहीं किया है नॉर्थ या साउथ, तो मैं नॉर्थ में भी नो बात चलाऊंगा नो 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 नॉर्थ। नॉर्थ नॉर्थ बिल्कुल भी नहीं, अच्छा ठीक है, मैं साउथ के नॉर्थ नॉर्थ में बात बेटा। चलाऊंगा। हाँ बेटा, खुद पे खुद तो नॉर्थ पहले होकर आ जाओ, फिर पता चलेगा। पाकिस्तानी जा सकते हैं बाय द वे, जा मैं बता सकते दूं, हैं ऑफ ऑल द कंट्रीज पाकिस्तानी जा सकते हैं। पाकिस्तान के ट्रेड टर्म्स भी हैं नॉर्थ कोरिया से, और मैं आपको बात बताऊं, नॉर्थ कोरिया से भी हम मशीनें खरीदते हैं। मतलब दुनिया के कौन सा ऐसा मुल्क है जिससे हम कुछ ना खरीदते हो, नॉर्थ कोरिया से भी हम चीजें खरीदते हैं। वो बेचते कुछ नहीं क्यों खरीद रहा हमसे, हमसे, नॉर्थ कोई कोरिया सिर्फ अच्छा हमसे वो खरीद रहा तो हमसे लोग क्या है खरीदते वीट, हैं? वो वीट खरीद रहा है, और मेरे ख्याल से कीनू ले रहा है, वो थोड़े से कीनू, एक दर्जन कीनू पैक करा दी नॉर्थ कोरिया ने। सो लाइक वी काइंड ऑफ लाइक वी सेल एग्रीकल्चरल स्टफ बट नॉट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चरल स्टफ में भी फ्रूट और सब्जियां कम जा रही, नशे तमाशे ज्यादा जा रहे हैं। अगर हम रेगुलराइज कर दें अपनी इसको, जो मेरे ख्याल से खान साहब करना भी चाह रहे थे, ये हाँ इसको लीगलाइज कर दें, तो मेरे ख्याल से इससे बहुत रेवेन्यू अर्न हो सकता है, क्योंकि जा तो रहा है, जा तो रोका वैसे तो भी नहीं जा रहा है। सकता हाँ इसको अगर आप इलीगल रोक कह नहीं के। पैसा सकते तो लीगलाइज कर लो, सही बात है, अकलमंदी वाली बात है वैसे। बट लेट्स सी मैन, अब तो क्या ही ही? कमा लो, मालिक हाँ मालिक जब इतना खर्चा हो चुका है तो दो चिप्स और खा दो लो। चिप्स और कर लो, सही बात है। बट यार नहीं, आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू। मुझे बहुत मजा आया था, और जब मैंने शो देखा तो मैं मतलब लिटरली मुझे ना हो रहा था, हाय यार ये कितना अच्छा दोस्त है मेरा कि मुझे टीवीएस ने एक अच्छा बहुत दोस्त दे चलेगा दिया। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। फिर चलो हम लोग लक्स में वापस मिले। बट इंशाल्लाह। वैसे टीबीएच के बाद मैं क्या बोलते हैं, टीबीएच के बाद मुझे नहीं अंदाजा था दैट वी विल मीट अगेन। तो हम लोग फिर लक्स में जब मिले थे देन वी बिकेम फ्रेंड। हम लक्स में मिले, लक्स में हाँ मिले, मैं लक्स में मिले, और मैं देख रहा था सारे बड़े बड़े स्टार्स में कोई ऐसा बंदा जिससे बात की जा सके, तो पर नताशा दोनों आई। मैंने कहा ये नताशा मेरे मेरी मिडिल क्लास दोस्त। मिडिल क्लास दोस्त, और नहीं बिकॉज यू वर एक्टिंग द सेम वे द वे आई वाज एक्टिंग, दैट्स व्हाई यू वर लाइक क्वाइट रिलेटेबल। एंड द थिंग दैट यू हमने सेड, बनाई तो थी, हमने बनाई तो थी MCAA, मिडिल क्लास आर्टिस्ट एसोसिएशन, एसोसिएशन एग्जैक्टली, वो अभी भी वो बरकरार बरकरार, दो ही तो लोग हैं उसमें, मैं और आप। है। और किसी को रिक्रूट करेंगे, डोंट वरी, कोई ना कोई आ ही जाएगा, अब आते हैं हम आते दोनों, दो रहेंगे। मिडिल क्लास ही आ गए आप, या तो जो अमीर लोग हैं वो ऐसा ऐसा मिडिल क्लास हो जाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई हो चुकी है। महंगाई नहीं, उसके अलावा तो क्या हो जाता है, जब कोई चीज कूल हो जाती है ना तो सबको वो बनना होता है। चलो अभी हम कूल कर यू देंगे मिडिल क्लास यू होना। यू नेवर नो एग्जैक्टली, फिर लोग बोलेंगे ब्रो कॉल मी अ मिडिल क्लास एमसी, कॉल मी एन एमसी। एमसी यार ये एमसी कुछ और नहीं होता हाँ होता है ना, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी होता है मास्टर ऑफ सेरेमनी। ओके बिल्कुल जी। बिल्कुल, यही है यही है यार। मुझे कमेंट्स पढ़ने थे वही लेकिन, वही हाँ अब पता है प्रॉब्लम क्या है इस इंस्टाग्राम का, अब कमेंट्स अभी मैं नहीं पढ़ पा रही, ठीक है, लेकिन अब जब ये बाद में कमेंट्स आएंगे अच्छा ये भी होगा, इट्स बहुत सारे कमेंट्स हैं इसे। वेरी वेरी मेस्ड उसामा कमेंट आया, पढ़ो उसामा कह कॉल। रहे हैं ताबिश भाई मजेदार कॉन्वर्सेशन, बिग फैन, क्या हाल है सर जी। अरे हाँ यार ताबिश, ए आर वाई यार, इसने लिखा है अरे यार, या ए आर वाई यार ताबिश, ये समझ में नहीं आ रहा, अरे यार होगा, मिडिल ए आर क्लास वाई गाइड। आर क्या होता है? आई पर्सनली थिंक दैट सेलिंग एल्कोहल, क्या लिखा है सेलिंग एल्कोहल, होता अरे है भाई क्या बिजनेस शुरू कर दिया लोगों ने। अच्छा, ताबिश मेरे पीछे तो किसी ने देखा है, नताशा के पीछे दीवार पर कौन सी लैंग्वेज है, ये पीछे देखो लोगों ने ये लिखा है ना, ये कोरियन लिखी है ये, ये मैं कह रहा हूं स्क्विड चाइनीज गेम में आई है लड़की। है जिस घर में मैं बैठी हूँ मेरी दोस्त का घर है और वो चाइनीज है, इस वजह से ये मेरा घर नहीं अच्छा है। एक सेकंड नताशा, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे पढ़ने दीजिएगा, मुझे पढ़ने दीजिएगा, मुझे पढ़ने दीजिएगा, हाँ लिखा क्या है। करीब कर लेती हूँ, ये लो ओहो पढ़ लो। लिखा है, हाँ थोड़ा करीब, मुझे मुझे आती है मैंडेरिन, थोड़ा अच्छा सीधा करें, नजर नहीं आ रही, पूरी पूरी नजर नहीं आ रही, सीधा, पूरी नजर नहीं आ रही। एक मिनट सॉरी, ये अरे लो पूरा पूरा फ्रेम आ जाए ना, पूरा फ्रेम। ये लो ओहो लिखा है, पढ़ो तुम साला गरीब पाकिस्तानी हमारा पैरों के नीचे ही रहेगा। अरे यही लिखा है पक्का, पूछ लो लिखा हो और क्या, ये चीनी खाना चाहते हैं पूरा मुल्क हमारा, और हाँ यही जहर लिखा है तुम इसमें, बजाओ। मैंने पाकिस्तान हमारा है इसमें लिखा है, पाकिस्तान अब हमारा हुआ, पाकिस्तान भी हमारा लिखा है, भी मिस कर रही है, भी के जगह अच्छा बे के नीचे दो नुक्ते भी लगे हुए। हाँ यार यू नो बेटर ना, मुझे नहीं आती मैंडरिन, चलो अच्छा हाँ पढ़ा है। और क्या बोल रहे हैं भाई, देखो हाँ भाई ये चाइनीज, हाँ मैंने बता दिया ये चाइनीज लैंग्वेज लिखी है और मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ और वो चाइनीज है। अच्छा आपको सलाम भेज रहे हैं लोग एंड हसन अफंदी आ गए, हसन अफंदी, अरे अफंदी साहब हसन कितने, अफंदी आ गए, अफंदी साहब, अफंदी साहब आ गए, अफंदी वो अंदर पहले बिरयानी बना रहे थे, लगता है बिरयानी बनाने से फुर्सत मिली है उन्हें।
मैंने बता दिया हाँ बिरयानी बन बिरयानी, गई। हसन आफंदी, हसन अली आफंदी आए। ये हसन अली आफंदी जो है वो कहाँ है? वो आपको पब्लिक लक्स स्टाइल साथ अवार्ड पे जो बंदा मिलेगा, लक्स स्टाइल अवार्ड पे जो बंदा मिलेगा आपको किसी भी अवार्ड सेरेमनी पे जो बंदा मिलेगा उसका एक ही मैनेजर होगा, हसन अली आफंदी। एक्टिंग मैनेजर या मैनेजर मैनेजर। एक्टिंग मैनेजर, मैनेजर का दोस्त, छोटा हाँ मैनेजर, पहला और मैनेजर, एक्स मैनेजर, करंट मैनेजर, यही है सब। तुमने नाम क्या रखा था? फेंडी। फेंडी, एफ एन डी, एफ एन डी। फेंडी अच्छा हाँ एफ एन तो खैर डी ब्रांड है ना। फेंडी ब्रांड है। हाँ एफ एन डी था बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्या बोलते हैं, रुको मैं और कमेंट्स पढ़ रही थी। लोगों के सिर्फ प्यार भरे जुमले आ रहे हैं। दिल 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 आ रहा है। और वहाँ किसी ने लिखा है आप लोगों का एपिसोड बहुत अच्छा था। और कोई कोई वो भी कर रहे हैं कि वो आते हैं ना, क्या आते हैं, हिदायत हाँ ये कह रहे हैं सेल स्वीट पॉल, सेल स्वीट पॉल कह रहे हैं कि यार एक और कुछ और शो कर लो। ठीक है भाई, हो आप फनी मत बनो इतना फनी है। ठीक है। है भाई, आप हो फनी मत बनो इतना सिंप और कम फ्लर्ट करो। ये तो वही बात हो गई भाई। ठीक है आप सुरीली हैं, इतना ज्यादा सुर मारने की जरूरत नहीं है। यार मैं अली हमजा 7 9 1 0 को, जो अभी खुद 15 साल के, ने कमेंट किया था सिंप ना बनो और फ्लर्ट ना करो। क्या बोला? यार कह रहे सिंप नहीं बनो और फ्लर्ट नहीं करो, मतलब छोटे अभी 15 16 14 15 साल के लड़के ना, 14 15 साल के लड़के जब देखते हैं ना लड़का लड़की बात कर रहे तो हमको लगता हाँ है फ्लर्ट ही तो बस करना वो आपस में और फ्लर्ट कर कर भी रहे। क्या अरे सकते हैं हम। किसी ने ये भी कमेंट किया था कि ताबिश अपने शो में बच्चों को बुला के फेमस कर देता। मैं इस पे स्माइल करूंगा और चुप रहूंगा। यार क्या अरे बोलूं इस पे मैं। आई रियली एंजॉय दीज कॉमेंट्स, आई रियली एंजॉय इट। पहले अच्छा, जो आपकी जो मैनेजर है ना बतूलो, कह रही है बहुत ऑफर्स हैं। किस चीज की, किस चीज की मैनेजर बतूल? ऑफर मूवी की मुझे नहीं बता रही होगी, वो ऑफर, खुद ही बस मुझे यहाँ भी तो बता दिया। है हाँ बतूल, सब बता रही हो तुम, मुझे नहीं बता रही तुम। बस उन्होंने सोचा था कि इस तरह लाइव बताएंगे, एंड नाउ बोथ ऑफ यू आर हियर। मैं ये देखो अभी यहाँ पे किसी ने लिखा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई वॉज जस्ट वॉचिंग टीवीएच एपिसोड विद नताशा बेग एंड नाउ यू बोथ आर हियर लाइव स्ट्रीमिंग। इंसेप्शन कर दिया हाँ हमने, देखो इंसेप्शन हो एकदम गया। ऐसा हो गया एकदम। ताबिश भाई आपके शो में आने का क्राइटेरिया क्या है? भाई पैसे लगते, हर आर्टिस्ट मुझे 3 3 लाख रुपया दे रहा है। मैं तो अब उसमें बोलने डिपेंड वाली करते हैं थी, अगर, हाँ मैं तो बोलने वाली थी कि मिडिल क्लास होना क्राइटेरिया नहीं, वो ताबिश का दोस्त मिडिल क्लास होना। होना क्राइटेरिया। नहीं 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 वो ताबिश के दोस्त होने का अरे क्राइटेरिया। मेरी बेटी का भी कमेंट आया है, बाबा रानिया हेयर, आई मेरी बेटी। क्यूटी हाय रानिया, तुम स्कूल क्यों रानिया नहीं गई नाम आज? है। अकबर चौधरी ने भी ज्वाइन किया। अच्छा तो शायद यार ना, अरे अकबर चौधरी सलाम। अस्सलाम वालेकुम अकबर यार, मुझे इसका भी कंटेंट इतना अच्छा लगता है यार, बहुत जबरदस्त लगता है मुझे। आप डिसाइड कर लो, आप डिसाइड कर लो आपको किसका कंटेंट अच्छा लगता है। आप मेरे कंटेंट के अरे बारे में भी एक सर पे हाथ मिनट, रख के बोल रही हो ऐसा अच्छा लगता है। यू आर यू आर मेकिंग मी चूज नाउ। क्यों बट नहीं? लिसन, देखो अकबर चौधरी को मैं जानती बहुत, मैं भी उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, लेकिन उससे कब उसके साथ भी हम बेस्टी बनने का टाइम, मतलब मौका नहीं मिला। मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला अकबर के साथ। लेकिन यू अकबर बहुत सुई, मेरा ही बेस्टी इज है, मेरा अमेजिंग यार, बेस्टी। इज आई मीन इट, मतलब आई ऑल्सो नो हिम एंड आई वुड लव टू मीट हिम अगेन, वी हैव वर्क टुगेदर, सो ही इज एन अमेजिंग पर्सन। कोई मुझे मैं उमर अहमद भी देख रहे हैं उनका, उमर अहमद के खानदान वाले भी देख रहे हैं। उमर अहमद हमारे एक और स्टैंड अप कॉमेडियन है। कल उन्होंने बहुत सालों की कोशिश के बाद फाइनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी की है मेरे ख्याल माशाल्लाह से अब वो। हाँ तो वो, माशाल्लाह उनको मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। उमर अहमद थैंक यू भाई, आपने किया, पूरी स्टैंड अप कम्युनिटी आपके पीछे थी, यार। सबने मुझे एक पैसे जोड़ बात जोड़ के उसको बताओ, सीए कराया। ये जो कॉमेडियन जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं ये माशाल्लाह, वैसे ये बहुत जीनियस और पढ़े लिखे, मतलब उनकी डिग्री बहुत जबरदस्त, ये मतलब आप कोई इंजीनियर होता है अब कोई, ये तो बहुत मतलब इम्प्रेसिव ये बात। देखें, मैं आपको गिनवाता हूँ। हमारे कुमैल, कुमैल है इंजीनियर मैकेनिकल, एमबीए उन्होंने आईबी से किया हुआ है। मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, एमबीए किया हुआ है। अकबर ने इंजीनियरिंग की हुई है, एमएस यूएस से किया हुआ है। हाँ और ये उमर अहमद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उस्मान मजर है, वो भी मास्टर्स किए हुए हैं। कोई बंदा हल्का नहीं है इसके कोई अंदर, हल्का सब नहीं है पढ़े लिखे माशाल्लाह, हैं। सब पढ़े नदालिया, हाँ लिखे। सब बट पढ़ गए। इट्स वेरी इंप्रेसिव यार, मतलब कि लोग अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं और ये क्या इससे देखो, एक चीज का और अंदाजा भी हो रहा है कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं हो रहा। पढ़ाई मजाक कर रहा हूँ। लोग पढ़ पढ़ के मजाक की तरफ आ रहे हैं ऐसा। हाँ, पढ़ बट पढ़ के लिसन ताबिश देखे, भाई पौंका, जो डिग्री आप ये पोंका क्यों ताबिश भाई लिख पौंका कह रहे हैं, रहे हैं? कह रहे हैं ताबिश ताबिश भाई पौंका। अब
यू आर वर अच्छा अच्छा कोई कह रहा है डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ताबिश डू यू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ? डू यू? नहीं, मैं एस्टिमेट लगा ही नहीं रहा अपने आपका, मैं कोई ओ एस्टिमेट लगाते ही नो नहीं नो अपने नो नो आप नो नो, ही इज सेइंग बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट द मूवी थिंगी एंड ही इज लाइक के यू कैन इवन बी अ हीरो एंड व्हाई डू यू वांट टू। इसको नहीं। समझ नहीं आया, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया, समझाएं कि आपको क्या करना है। हाँ मैं हीरो लग भी जाऊंगा, मसला वो नहीं है, हीरो लगने का मसला नहीं था वो वाला, मुझे वो नहीं था अंडर एस्टिमेट करने वाला। हीरो का अब दौर चला गया, अब कैरेक्टर्स का दौर है, अब अच्छा कैरेक्टर प्ले करना है ना, वो उसका दौर है, तो वो मैं करना चाह रहा हूँ, अच्छी एक्टिंग करना चाह रहा हूँ, समथिंग अदर देन कॉमेडी। यार सोचो वो जो तुम जिस बंदी की बात कर रहे हो स्क्विड गेम वाली, उसका कैरेक्टर, वो कोई मेन हीरोइन थोड़ी थी, वो भी एक कैरेक्टर था, द पिकल हाँ लव, और क्या, और उसका और डेब्यू क्या। था, और उसको डेब्यू में ऑस्कर मिल गया। भाई किस्मत होती है हाँ यार। ऐसा है, देखो आप बताइए, आप जरा हद हो गई, जलस ही हो रही है मुझे। जेलस तो खैर मुझे पता है आप नहीं होते, यू आर बिगेस्ट, आपके बहुत बड़े बड़े फैंस भी आए हुए हैं। ये और लोग कह रहे हैं कि ताबिश भाई आर यू अगेंस्ट इमरान खान, अबे भाई मैंने कब कहा कि मैं अगेंस्ट इमरान खान, क्या यार कोई मैं सिर्फ स्टेट, जियो में काम करता हूँ, मैंने जियो पे काम करता हूँ इसलिए लोगों ने अज्यूम कर लिया मैं इमरान खान के खिलाफ ऐसा हूँ, मैंने थोड़ी कुछ होता है। नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं। मतलब कल को अगर आप मतलब बिलावल के साथ तस्वीर खींचोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी दैट यू आर हाँ अगेंस्ट समवन। आई मीन हाँ और क्या। अबे भाई इट अब मींस मुझे, गो दैट, या बोले बोले एड गो एड, नो नो, आप बोले। आई आई वाज जस्ट सेइंग के सिविल होना भी कोई चीज होती है, हमेशा हर चीज में अगेंस्ट अगेंस्ट बोल के। मुझे आप एक चीज बता दो यार, आप नताशा बेग, जी अभी मैं इंग्लैंड चला जाऊं, मुझे रास्ते में अल्ताफ हुसैन भाई नजर आ जाए, मैं तस्वीर तो खिंचवाऊंगा ही ना यार, कोई भी खिंचवाएगा, अबे अल्ताफ भाई सी खिंचवा भाई, तो ऑफकोर्स बिल्कुल क्या खिंचवाएंगे, मैं एंटी पाकिस्तान हो जाऊंगा? नहीं होगा ना एंटी पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं होगा यार। तू लेकिन जियो पे लोग काम करे, मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे किसी ने नहीं कहा इमरान खान को गालियां दो, उसके खिलाफ बात करो, जब किसी ने कहा ही नहीं तो हाँ आपने खुद ही कैसे अज्यूम कर लिया भाई, मुझे कहने तो दो पहले। अज्यूम नहीं करना चाहिए लोगों को, और ये यहाँ पे ज्यादा होता है कि लोग बहुत ज्यादा अज्यूम करना शुरू हो जाते हैं, तो मैं बहुत खांसी हो रही है, तो आई होप के अच्छा हाँ लोग ये कह रहे देखो हैं ना, अब ये समझ पा दानिश रहे। भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, नाम दे दानिश भाई, ये जो मेरी हटती रही तो खैर इसने मजाक में किया है, हाँ लेकिन मुझे लोग बोलते हैं दानिश भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वाई अबे मैंने मैं भी तानिश ताबिश पढ़ा हो, हूं। क्यों दानिश? अच्छा एक मिनट, एक और बताती हूँ एक, मतलब हालांकि मेरे जिम में एक है, एक ट्रेनर है, सब तुम्हारा शो बहुत पागलों की तरह फॉलो करते हैं, लेकिन ये नाम के साथ लोग बड़े पंगे हाँ करते हैं, जिम ही वॉज कॉलिंग यू हारिस, वाई यार, ही वॉज कॉलिंग, हारिस तो बट यू नो आशमी, आई हैवन आशमी करेक्टेड, आई हैवन आशमी से करेक्टेड हिम येट, आई वॉन्ट टू करेक्ट हिम, आई विल डू इट टुमारो और इवन लाइक ऑन मंडे मे बी, क्योंकि मुझे कंफर्म करने में टाइम लग रहा था ये ताबिश बोल रहा है हारिस बोल रहा है, मुझे हारिस सुनाई दिया। पता नहीं कि ताबिश इतना कोई नया नाम भी नहीं है, मेरे साथ तो एक बार इतना, और ये लगेगा झूठा वाकया है लेकिन असली वाकया है, कि फैसल बैंक की हेल्पलाइन पे फोन किया है, फैसल बैंक की हेल्पलाइन के फोन वाले ने कहा सर मैं आपको मुखातिब करने के लिए आपका नाम जान सकता हूं, तो मैंने कहा मेरा नाम है ताबिश, तो कहने लगा दानिश सर बहुत शुक्रिया फैसल बैंक कॉल करने का, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैंने कहा भाई मेरा नाम है ताबिश, कहने का यस दानिश सर बताइए मेरी क्या खिदमत, मैंने कहा भाई ताबिश नाम है ताबिश, कहने का सर मुझे आवाज आ रही है दानिश सर क्या खिदमत कर सकता हूँ, मैंने कहा आपका अल्लाह नाम क्या है, मैंने कहा यार आपका नाम क्या है, तो कहते हैं हाँ मेरा नाम ताबिश है सर, यार ये कसम से मुझे लग रहा उसका था कि अपना नाम, इफ यू आर सेइंग दैट अल्लाह मेरा अभी आई बिलीव यू, ठीक मैं है मजाक नहीं कर इसलिए। रहा, मैंने कोई आज से 8-10 साल पहले अपने फेसबुक पे स्टेटस भी रखा था, क्योंकि उसी क्या दिन ये बोला? वाकया हुआ था, दानिश दानिश करता था, कि यार अजीब वो दानिश ही बोला बोलता रहा मुझे, आखिर में उसका नाम वो ताबिश था। ताबिश निकला तो यार ये तो बेटा तुम्हारे साथ तो नाम पे हो रहा है ना, पता है मैंने तुम्हारे शो में एक बात बोली थी कि मेरी आवाज के मुझे नहीं पसंद थी नाम में पे एक टाइम पे, तो ये मेरे साथ अभी भी होता है, खैर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता ना क्योंकि अब तो माशाल्लाह यही आवाज है जिसने पहचान दी है, तो जब मैं किसी इन ड्राइव या करीम वाले को कॉल करती हूँ ना तो उनको हमेशा लगता है कि कोई आदमी बात कर रहा है, ठीक है वो आगे से सर सर बोलना शुरू हो जाते हैं, चलो ठीक है मैं जाने देती हूँ, वो इग्नोर किया मैंने, लेकिन जब मैं जाऊंगी ना गाड़ी के पास कि मतलब खोलूंगी कि अभी गाड़ी में बैठ, मैम आप ही थी वो, मैं कहती हूँ जी सॉरी मैम हमें लगा कोई जेंट्स बात कर रहे हैं, अच्छा अगर लगा भी तो बोलना जरूरी है मेरे मुंह पे, और मैं उसे क्या रिएक्शन दूं, और एंड आई गो लाइक ओके बस, बट पीपल आर जस्ट सही टू मच। अच्छा यहाँ पे एक मेरा दोस्त भी है, अच्छा वो भी अच्छा, आजकल पता नहीं लोग तुम बोलोगे मैंने क्या चाइनीज दोस्त रखे, जैक्सन ची नाम प्लीज है, प्लीज
वो अभी लंदन गया हुआ है और वो भी लाइव मुझे देख रहा है और हेलो बोल रहा है, तो मैं उसको हेलो बोलूंगी। इसका वाकया हाय बताती हूँ। जैक्सन, हाय जैक्सन, जैक्सन देखो को जैक्सन, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है हाँ क्या आती है? हाँ पक्का मेरी तरह बात करता है यार, बिल्कुल। हिज फेस इज अरे मेरा भी, डिस्टिंगविश्ड। मेरी भी चाइनीज दोस्त है, पाकिस्तान में कराची में रहती थी, अब पता नहीं ऑस्ट्रेलिया चली गई, नैन्सी नाम था उसका, हाँ नैन्सी ची। उसी का भाई तो नहीं है ये, डेंटिस्ट ये का उसी नहीं उसका ब्रो? का भाई। जानता हूँ हाँ, नैन्सी को, जानता हूँ मैं, नैन्सी को यार वैसे देखो जैक्सन, द ये वर्ल्ड इज स्मॉल वेरी वर्ल्ड नहीं है, हम स्मॉल, लोग एक ही जगह रहते हैं, छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं हम लोग। मिडिल क्लास। अबे इसके अब अब डेंटिस्ट है देखो, ना, डेंटिस्ट है हाँ इसके। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मतलब हाँ, यानी कि इसकी बहन ही है जिसको तुम जानते हो, क्योंकि ये भी ऑस्ट्रेलिया में था। तो ये भी आजकल लंदन गया हुआ है, और इसकी भी एक चिड़ है, बेचारा पाकिस्तान में रहता है, पूरा पाकिस्तानी बस दिखने में चाइनीज है, और जो भी सीन है, लोग इसको बोल जाते हैं चिंगपोंग, जो भी सीन है क्या मतलब था? मतलब लोग इसको बोल जाते हैं ठीक चिंगपोंग। और इसकी ना, अब लोगों को, लोग है अज्यूम ठीक करते हैं कि इसको शायद उर्दू नहीं आती और इसकी हट जाती है, और फिर ये झगड़े करना शुरू हो जाता है। तो मैं इसको एक बात पे बड़ा काम डाउन करती हूँ। मैं इसको कहती हूँ कि जैक्सन, अक्सर क्योंकि ना लोग मेरा भी चेहरा देखे, आपको नहीं लगता मैंने चिंगपोंग फेस नहीं किया है? तो मैं फिर जैक्सन को अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ना मेरे पेज पर किसी ने देखा था, किसी ने लिखा नताशा चिंगचोंग, और मैंने इसको स्क्रीनशॉट भेजा। मैंने मैंने बोला कि जैक्सन तुम्हें गुस्सा आता है, मैंने बोला तुम तो चाइनीज हो, मैं तो चाइनीज भी नहीं हूँ, व्हाई एम आई फेसिंग दिस इन माय ओन कंट्री, व्हाई? और उससे पहले क्या बताइए। हुआ, उससे पहले क्या हुआ, मैं इन्हीं के साथ जब घूमती हूँ तो मैं और ऑथेंटिक लगना शुरू हो जाती हूँ। तो अभी प्रांसों पे थीम है, और ईद का 3rd डे था, और मैं हाफ, मैंने फ्यूजन किया हुआ था, हाफ जीन्स और एक देसी झुमके और चूड़िया जीन्स के ऊपर। किसी को शायद लगा, किसी को लगा कि आई एम जस्ट टू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हार्ड टू बी देसी। तो पता है वो बंदा मुझे क्या बोल के जाता हो है, गया। वेलकम टू पाकिस्तान। अरे भाई ये तो अच्छा है यार, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, वो ये क्या हो रहा है, बंदा ये क्यों हो रही भाई, ये तो यार, अच्छा। तुम्हारा बीच में फिल्टर चेंज हो गया था तुम्हारा। रजा, रजा भी आए, रजा समो, रजा कैसे, रजा, रजा समो को हेलो जानती है रजा। ना? जी, एवरीवन नोज हिम, वी ऑल नो हिम। उसका भी एपिसोड मैंने देखा था, ही वाज द वन नाइट ही केम टू योर एपिसोड, टू टीवीएस, राइट? हाँ रजा भी आया था, रजा या रजा 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 आई भी आया सॉ था, दैट, रजा आई भी आया सॉ था। दैट। हाँ जी सो या सो दैट रजा हमारे लाहौर गाय, फैलो भी तो है यार, करीब में रहते हैं रजा। अच्छा लाहौर में ही है? ओ तुम सब आहिस्ता हाँ आहिस्ता हाँ लाहौर जा लाहौर रहे हो, में अच्छा रहते हैं। वो शायद ऑलरेडी होंगे वहां पे। नहीं ये तो ये ऑलरेडी थे, ये थे, डकी है, रहीम है, वो है, शाविर भी दरी है, वो क्या नाम है नाइस। उसका, अली जैद टी भी दरी है, इधर रेशम जी भी दरी है, निगाह जी भी अरे दरी है, और निगा जी, निगा जी इज अमेजिंग, निगाह जी, आई निगाह जी का रियली, किस्सा आई यहीं रियली पे मिस रुकेगा दोस डेज, आई रियली मिस दोस डेज। है ना, वहां मजा आता। ठीक है, अब ये है तो नताशा के, इसको जी इसको ना रेगुलर फिक्सचर बनाते हैं, मंथली बेसिस पे लाइव आएंगे, मजा कराएंगे, और अभी मैं जा रहा हूँ एक डिनर यप, पे, हाँ, और मैं भी यहाँ पे होस्ट करने जा रही हूँ एक और डिनर। सो यार आप कराची में, इस बार मैं आऊंगा, प्लीज मुझे अच्छी जगह डिनर कराइएगा, लास्ट टाइम भी भाई, मैं अच्छा आपको, अच्छा हमने आप लास्ट जो टाइम में बोले, अच्छा डिनर किया था वहां पे। जी आप जो बोले, और दूसरा वीकेंड अभी हम करने जो जा रहे हैं वो मैं तुम्हारे लिए भी करना चाहूंगी, यू विल एंजॉय इट, वी आर हैविंग कोरियन बारबेक्यू राइट नाउ। तुम बोलोगे इसको क्या हो गया, ये कोरिया ठीक है, कोरिया, मैं क्यों बोलूंगा मैं क्यों बोलूंगा, वो करेंगे ये तो, लोग अवार्ड करेंगे ये तो। बोल दे यार, मैंने दीनो आ तुझे गए, कहा दीनो था आ गए डीनो, अरे दीनो भाई आ गए, डीनो और डीनो, वी वर जस्ट लीविंग बट मीट माय बेस्टी। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ डिनर की तैयारी करता हूँ, आप दीनो भाई को लेके जरा 5-10 मिनट थोड़े करें ना, फॉलो अगर अगर डीनो अप करें ना मुझे, इनसे हाँ, तो अगर अगर डीनो मुझे रिक्वेस्ट, डीनो पहले डीनो मुझे रिक्वेस्ट भेजो प्लीज। अब मैंने अपने एक मैं बेस्टी से जाऊंगा तो बात वो की, रिक्वेस्ट भेजेंगे ना। हाँ, फिर मैं दूसरे बेस्टी से बात करूंगी। चलो ताबिश, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह थैंक मुझे यू। लाहौर जरूर बुलाना, मैं आ रही हूँ। चलो ओके, मैं एक चीज बस क्विकली, क्विक क्विक फीडबैक, क्विक वो दे दूं इंफॉर्मेशन, कि नताशा के बिल्कुल बाद अब टोटल बची है 3 एपिसोड्स टीबीएच की लास्ट, जिसमें से शायद आखिरी एपिसोड होगी द ग्रेट वसीम अकरम के साथ, मेरे ख्याल से जून के एंड में ये खत्म होगा टीबीएच। मैं ऑफिशियली खुद भी खिताब करके बताऊंगा कि खत्म हो चुका है, मगर खत्म होने वाला है, तो अब जितनी एपिसोड बच चुकी है उन सबको गौर गौर से देखें। ओके कांट वेट फॉर इट। मैं चलो, बाय, टेक केयर, ओके नजर, अल्लाह हाफिज, सी यू लेटर। लाफ लाफ। ऑल राइट, सो हाँ, आई एम टेकिंग डीनो लाइव विद मी। हाँ, मैंने फोन पकड़ा हुआ था, मेरा हाथ दुख गया क्योंकि मेरा फोन गिर रहा था बार बार। ओह माय गॉड यू नो आई वॉज विद माई बेस्टी एंड यू डिस्टर्ब्ड मी।
यार फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो तुम ये ड्रामे कर रही हो, डोंट डू दिस होल बेस्टी बेस्टी नॉनसेंस, ओके? कम ऑन, डोंट डू, ऑलराइट? कैसे हो, क्या हाल है? तुम्हें तो पता है मैं कहाँ हूँ। मुझे बिल्कुल पता है तुम कहाँ हो, और मुझसे तुम बात मत करो। लास्ट टाइम तो मेरे लिए कॉफी लाए भी नहीं थे, तुम पता है, आई हसन डोंट के लिए लाए थे, मेरे लिए नहीं लाए। अंडरस्टैंड ही, यू नो व्हाट, देखो आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी कि नताशा हमेशा मुझसे मुझसे नाराज होती है कि मैं इसके लिए कॉफी नहीं लाता, लेकिन इसको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, ये हर दफा मेरी कॉफी छीन तो लेती है। यू ऑलवेज स्टील माय कॉफी। नो, बट दैट कॉफी वॉज फ्रॉम समवेयर एल्स एंड यू डिडंट गेट मी। हाँ ओके, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, ताबिश से बड़ी बातें हो रही है तुम्हारी, है? मैं अपने बेस्टी से चिलिंग कर रही थी। बेटा आपने तो एपिसोड देखा नहीं होगा मेरा वाला। मैं देख रहा था, मैं मुझे मैं आई एम नॉट जेलस एट ऑल, नॉट जेलस एट ऑल, आई डोंट यू आर फील। नॉट, आई कैन कंप्लीटली सी इट। नहीं, अब दैट डिपेंड्स ना कि आपको जेलसी किस बात की हो रही है, मतलब यानी कि मेरे शो पे जाने की है, हमारी दोस्ती पे, हमारी दोस्ती पे हो रही है। लिसन, आई डोंट वांट टू हियर दिस, ओके? आई डोंट वांट टू यू हियर नो, दिस। अच्छा एक मिनट, मतलब यानी कि ताबिश हैज स्टोल योर फ्रेंड, दैट हैज बिकम योर प्रॉब्लम, राइट? ऐसा लग रहा है जैसे हम स्कूल में, वो नहीं होता स्कूल में आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है क्योंकि नहीं, तो वो तो है, ये मुझे तो लग रहा है हम स्कूल में आ गए। दूसरा ये कि हम भूल गए कि हम लाइव। हम लोग अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रहे हैं, लोग नीचे बैठे ना, नीचे बैठे हुए लोग कमेंट कर शुगर रहे हैं, जैसे जैसे शुगर आ शुगर रही, हो रहा है। अरे अरे जल रहा है डीनो, जल रहा है, जेलसी नजर आ ओरे रही है, ओरे ओरे ओरे, सब अच्छा मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक अरे मैं है, बिल्कुल जेलस नहीं हूँ भाई, क्या हो गया ये सब। पर देखो यार, मतलब देखो कि ताबिश कितना अच्छा दोस्त है ना, इतना स्वीटली उसने बोला नाशु कि स्टॉप मैं ताबिश। सेइंग दैट डूड, लाइक कीप सेइंग इट, लोगों को लग रहा है वाकई कोई मसला है, कोई मसला नहीं है भाई। गाइस इट्स जस्ट अ जोक, ठीक है? प्लीज टेक इट एज अ जोक। अच्छा ताबिश ये क्या लिखा हुआ है? भाई ऐसी कोई बात नहीं, डू यू नो व्हाई डिडंट यू और गो वैसे अहेड भी इनटू क्या म्यूजिक, यू ओनली रिलीज फ्यू सिंगल्स ओनली? किसी का मैसेज आया तुम्हारे लिए, जवाब दो। ये क्या तो हम क्या भी तुम्हें बोलते हैं, ये तो हम भी तुम्हें बोलते हैं, व्हाई डिडंट यू गो अहेड इनटू म्यूजिक, यू ओनली रिलीज फ्यू सिंगल्स ओनली? यार, जवाब अपने वक्त। मैं थोड़ा लेजी हूँ, आई एम नॉट एज रेगुलर एज आई शुड बी। इंशाल्लाह नया सॉन्ग आ रहा है, न्यू म्यूजिक विल बी कमिंग सून, बट एक इमीडिएटली एक चीज आने वाली है, एक आर्टिस्ट है जिनका लॉन्च होने वाला है 18 मई को। यार आई कंप्लीटली फॉरगॉट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज़ आई वांटेड टू सेंड अ पैकेज टू ताबिश आल्सो, बट आई फॉरगॉट। क्या करूं दोस्तों से यार, ना ऐसी वो बातें हो रही, बेचारा, प्रोफेशनल नहीं बात नहीं यार वो कर। असल में देखो सीन यही है ना कि वो मतलब ऐसा दोस्त है मेरा कि कहां उसके साथ प्रोफेशनल हुआ जाता है, नहीं होता यार। बट नहीं, आई एम Why जोकिंग, do you do this, yeah? Why do you do बट this? लिसन लिसन, बट थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। 18, या द 18 एल्बम इज मई को ऑलरेडी खिरत आउट। की लॉन्च हो रही है, 18 मई को खिरत जो एल्बम है नताशा की, इट्स द लॉन्च इज हैपनिंग ऑन द 18 मई, एल्बम ऑलरेडी आ चुकी है, पीछे हसन अफंदी बैठा हुआ होगा आई एम श्योर। कहाँ है हसन, हसन कहाँ इज है, हियर लेकिन ही इज बिजी राइट नाउ बिकॉज ही इज मेकिंग बिरयानी। इज लेट, वेयर आर यू गाइस? सो आई एम, यू कैन, मैं तुम्हें हिंट देती हूँ मैं कहाँ हूँ। अच्छा ओके, हाय दैट्स द लिंडा, हिंट। लिंडा तुम्हें हाय बोला, डीनो हाय बोल रहे। सो आई एम एट लिंडास प्लेस और हम भी आर आई होस्टिंग वांट अ डे। टू यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गाइस, मुझे भी बिरयानी खानी है। ही विल, लेकिन आज आज लिंडा की फैमिली की बारी है, उन्होंने बिरयानी अच्छी वाली नहीं खाई ना, देसी वाली। रियली? ओके चलो कोई बात नहीं, हैव फन गाइस, लिसन आई एम गोना गो, बट गो एंड ओके, चेक आउट आवर एल्बम फिरत, इट्स आउट राइट नाउ। ओ एंड इसने लाइव परफॉर्म किया है FM 91 पे, वो भी वीडियो आ चुकी है मार्केट में, गो एंड चेक इट आउट। यस, FM 91 पे, यूट्यूब पे चैनल है ना FM 91, वहां पे आप देख सकते हैं। माय हेयर लुक्स सो बैड, ओ माय गॉड, खैर आई शुड इग्नोर दैट। बन भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा ताशु, एनीवे ओके नहीं बाय यार बाय पता नहीं यार, सर बॉल मेरे सर्ट नहीं हो रहे, पर खैर चलो के, बाय, टेक केयर, बाय। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो या गाइस, आई हैड अ ग्रेट टाइम टॉकिंग विद दीस टू पीपल, और मुझे कमेंट्स जो है वो ठीक से दिख नहीं रहे हैं। वाकई स्कूल याद दिला दिया, रियली यही हाल होता था। बस यार हम भी कभी कभार थोड़े से स्कूल वाली हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। And I'm just gonna read some of the messages and then I'm gonna leave too. Hi Tipu, thank you so much for your message and I just love what you're doing. I mean, everybody knows that you are an amazing actor, लेकिन साथ साथ जो आप जानवरों की मदद करते हैं, inspirational, जब भी हम आपकी बात करते हैं दिल से सिर्फ दुआएं निकलती है, so we all love you man, thank you so much.
यस गाइस, सो द एपिसोड टीबीएच का जो है, जो मेरा वाला, इट्स आउट ऑलरेडी. जिस जिसने नहीं देखा है वो जाने. सो टीपू इज राइटिंग बेहाल बिला शिवाबा, बेहाल बिला उन्हें, बेहाल बिला ठीक ठाक बाना. So yeah, guys, you guys can go and watch that. And then yes, my second album is out now, जिसका नाम है खेरद, और वो अल्लामा इकबाल पर ट्रिब्यूट है पूरी. आप स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं, आप यूट्यूब पर जो है आप जाएंगे और यूट्यूब पर आप नताशा बेग टाइप करेंगे तो एक पूरा जूक बॉक्स आता है वहाँ पे, उसमें सारे गाने आपको मिल जाएंगे. एंड व्हाट एल्स, कह रहे हैं क्या आप सासों की माला सुनाएंगी, मैंने दराज वो वहां पे सुन लिया था ना अभी. खैर अभी बिल्कुल मैं आई एम लाइक आई एम समवेयर एल्स, सो आई कैन नॉट सिंग सिंग. इट्स वियर्ड सिंग सम समवेयर एल्स. हाय नम्रा, हाउ आर यू? फ्रेंड्स फॉलोइंग. सो या गाइस, इट वाज रियली नाइस गोइंग लाइव विद ताबिश, एंड देन डीनो आल्सो जॉइंड, व्हिच वाज लाइक इवन मोर फन. और मैंने बीच में अजलान को भी देखा था, लेकिन इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि पता भी नहीं चला मुझे. सो या हाय अजलान, इफ यू आर स्टिल वॉचिंग, लेट मी सी. अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था. दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव जस्ट नोटिस्ड, बट कूल मैन, दैट इज कूल. चलें एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज. और आप लोग तीन चीजें जरूर कीजिएगा. एक ये कि आप टीबीएच का एपिसोड जाके देखिएगा यूट्यूब पर, ताबिश और नताशा बेग का. दूसरा, आप FM 91 का चैनल है, वहां पे वजूदे जन मैंने लाइव गाया था, एक उसका लाइव वर्जन है, वो आप जाके सुनिएगा. और तीसरा, आप मेरे चैनल यानी नताशा बेग के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहां पर आपको मिलेंगे, मेरी सेकेंड एल्बम मिलेगी खिरद, वो आपने जाके सुननी है और आपने फीडबैक देना है. सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. एंड नाउ आई डोंट नो हाउ टू स्टॉप इट. How to stop it? I said bye, but.